हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक्सेल के अंदर हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज को कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये एक डेटा लिखा हुआ है हमारे पास, नेम है, मोबाइल नंबर है और कुछ यहाँ पे ब्रांचेज हमने लिखनी है। तो एक बिजनेस सिनेरियो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ एम्प्लॉयज का डेटा है, ये इनके डिटेल्स हैं मोबाइल नंबर के साथ, और ब्रांचेस हमें यहाँ पे लिखनी है कि कौन सा एम्प्लॉय किस ब्रांच में वर्क करता है। सपोज हमारे पास ब्रांचेस हैं, फरीदाबाद में है, दिल्ली में है, गुरुग्राम में है, मुंबई में है, चेन्नई में है। तो ये पांच ब्रांचेस हैं हमारे पास। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ब्रांचेस में जब भी लिखूं तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाए और मैं उसमें से चूज कर लूँ कि राजेश कुमार कौन से ब्रांच में हमारे यहाँ काम करता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जहां जहां पे मुझे ये मेन्यू चाहिए होगी वहां से मैं डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, या मैं उस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा सबसे पहले जहां पे भी मेरे को ये मेन्यू को शो कराना है, दिखाना है। तो पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं डेटा के अंदर जाऊंगा और डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा। यहाँ से डेटा वैलिडेशन को चूज करूंगा। यहाँ से सबसे पहला एक डायलॉग खुल के आएगा, इसके अंदर सेटिंग, सेटिंग के अंदर अलाउ, अलाउ के अंदर लिस्ट, हमने एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट क्या बनानी है हमने, या तो हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं फरीदाबाद इस तरीके से, या मेरे पास डेटा लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इस डेटा को सेलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से। जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा तो ये यहाँ से पूरी रेंज सेलेक्ट होके यहाँ आ जाएगी, और बस फिर मैं क्या करूंगा, इसको ओके कर दूंगा। जैसे आप ओके करोगे तो आप देख पा रहे हो कि ब्रांच वाले इस कॉलम में एक इस तरीके का बटन बन के आ गया है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो सारी ड्रॉप डाउन मेन्यूज यहाँ आ गई हैं, जो जो आपने बनाई हैं, फरीदाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और चेन्नई। अब मुझे क्या करना है, रजनीश, राजेश कुमार मेरे पास कहाँ काम करता है, फरीदाबाद में काम करता है, तो मैंने फरीदाबाद चूज कर लिया। ममता जैन कहाँ काम करती है मेरे पास, फरीदाबाद में काम करती है। राजीव अग्रवाल कहाँ काम करते हैं, सपोज दिल्ली में काम करते हैं। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के अकॉर्डिंग उनको ब्रांच एलोकेट कर सकते हो। इसका क्या बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है आप एरर के चांसेस नहीं है। आप कोई भी स्पेलिंग, सपोज कुछ लोग डेली की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, आपने यहाँ पे लिख दिया DELLHI, तो ये इसको नहीं लेगा क्योंकि हमने उसको मेन्यूज एलोकेट की हुई है, इसलिए इसको नहीं ले रहा। तो हमारा डेटा सिक्योर रहता है पहला, और जब भी हम कोई फिल्टर लगाएंगे या डेटा को मैच करेंगे तो वो एरर के चांसेस नहीं होंगे, इसलिए हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लेते हैं और उसको फिर इजीली हम एलोकेट कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।